जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी देश में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। हालांकि कृषि मंत्रालय को उम्मीद है कि महीना पूरे होते होते इसके कवर कर लिया जाएगा। सीजन की अन्य फसलों की बात करें तो दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, जूट और कपास के रकबे में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं गन्ना के क्षेत्रफल में मामूली कमी दर्ज हुई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुई एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं 15 जुलाई 2022 तक खरीफ फसलों की बुआई की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक पिछले साल समान अवधि में धान का रकबा 155.53 लाख हेक्टेयर था, जो इस बार 128.50 लाख हेक्टेयर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार धान का रकबा 27.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र घटा है। वहीं असामान्य बारिश के कारण इस बार ऐसा स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में धान की रोपाई के लिए जुलाई के महीने में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर दलहन फसलों की बात करें तो इस खरीफ सीजन में इनके रकबे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि अरहर का रकबा घटा है। उड़द और मूंग की बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि 15 जुलाई तक इस बार 72.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहन की खेती हुई है। वहीं पिछले साल समान अवधि में ये आंकड़ा 66.69 लाख हेक्टेयर था। अरहर के रकबे में 5.76 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज हुई है, जबकि उड़द के रकबे में 2.76 और मूंग के रकबे में 4.34 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मोटे अनाज में बाजरे के रकबे में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले साल के 20.88 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार 34.46 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। वहीं मोटे अनाज के कुल रकबे की बात करें तो पिछले साल के 87.06 के मुकाबले इस बार किसानों को 93.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती उन्होंने की है। वहीं प्रमुख फसल मक्के के रकबे में इस बार 6.78 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। तिलहन फसलों की बात करें तो किसान ने इस बार सोयाबीन पर सबसे अधिक ध्यान दिया और इसके रकबे में 9.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल के 124.83 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार तिलहन का कुल रकबा 134.04 लाख हेक्टेयर हो गया है। इनमें कुल 9.21 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मूंगफली के रकबे में मामूली कमी भी आई है। बता दें, पिछले साल मिले अच्छे भाव से उत्साहित किसानों ने कपास की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कपास का रकबा पिछले साल के 96.58 के मुकाबले 6.22 लाख हेक्टेयर बढ़कर क्षेत्रफल 102.80 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं गन्ने का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले में मामूली कमी गन्ने के क्षेत्रफल में देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।